भाई नलवा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी व पूर्व में कई विभागों के मंत्री रह चुके प्रोफेसर संपत सिंह ने रविवार को अपना चुनावी कार्यालय खोल दिया। साथ ही कार्यालय उद्घाटन पर उमड़ी भीड़ ने ये साबित कर दिया कि वो मजबूती से ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बता दें कि उनके पोस्टर पर किसानों के मसीहा सर छोटू राम, पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के अलावा अब भी राहुल गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के फोटो हैं। ऐसे में वो कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल मान के लिए चुनौती बन गए हैं। प्रोफेसर संपत सिंह नलवा से टिकट के प्रबल दावेदार थे। इस सीट पर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल की पत्नी को हराया था। जिस परिवार का कोई व्यक्ति आज तक विधानसभा चुनाव में नहीं हारा था उसे मात देकर उन्होंने नलवा में जीत हासिल की थी। उस समय नलवा संपत सिंह का हलका भी नहीं था। इससे पहले उन्होंने अपने चुनाव भट्टू हलके से लड़े थे। वो पहली बार दिग्गज परिवार के सामने उतरे थे, वह जीत दर्ज की थी। इसीलिए इस बार नलवा से टिकट न मिलने पर उन्होंने समर्थकों की बैठक बुलाई थी, जहां संपत सिंह तथा उनके बेटे गौरव संपत सिंह के संबोधन में लोग भावुक हो गए व उन्हें चुनाव में उतरने के आदेश दे दिए। ज्ञात रहे कि संपत सिंह आज भी खुद को कांग्रेसी मानते हैं। वो जनता को संबोधित करते हुए भी कहते हैं कि मैं लड़ूंगा तब भी कांग्रेसी रहूंगा और जीतूंगा तब भी कांग्रेसी रहूंगा और भाजपा की हर हाल में विरोध करूंगा। ऐसे में नलवा में जहां दो राजनीतिक दलों के बीच मुकाबला माना जा रहा था, अब संपत सिंह के निर्दलीय तौर पर आने से मुकाबला रोचक हो गया है, क्योंकि संपत सिंह के आने से कांग्रेस के वोट बटने के आसार हो गए, जिसका सीधा नुकसान कांग्रेसी प्रत्याशी अनिल मान को होगा। वैसे आज लोगों को संबोधित करते हुए गौरव संपत सिंह ने जो कहा, चलिए वो आपको सुनवा देते हैं। के पाप कर दिए यार, के किसका मानस मार दिया, के बद्दुआ दे दी, सारा के काम ही तो करे है, के दिक्कत होगी टिकट देने में, देनी चाहिए थी। न्यू मानस थोड़ी ना मारा करते हैं, ये तो वही बात होगी, खेती हमने बोई, हमारी फसल खड़ी है तो हमारे खेत के ताला लगा दिया, आज टाइम आया तो ताला लगा दिया कि अंदर नहीं बढ़ सकते, कह जी चुनाव ना लड़ो, उसकी 307 तड़वा रखी यार, कह रहे चुनाव ना लड़ो, ऐसे लोग कह रहे कि चुनाव ना लड़ो, 307 तड़वा रखी, फिर क्या चुनाव ना लड़ो, आप लोग चुनाव लड़वा रहे हो, आपके भरोसे पे चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी जुबान पे चुनाव लड़ रहे हैं, आपके हौसले पे चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी आत्मा की आपकी रूह की आवाज पे चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 में भी बिठा दिया यार, 2019 में भी बिठा दिया, न्यू गेम बैठने के ही रहेंगे, यही रहेंगे, कांग्रेस में बीजेपी को समर्थन नहीं देंगे, आप सबके सर की कसम खाते हैं, बीजेपी में नहीं जाएंगे, एफिडेविट लिखवा लो।